हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, अनु एंड हाना लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूं होता है कि हाना जो होती है वो खुद को वॉशरूम में लॉक कर लेती है और जी बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और यही बार बार कह रही होती है कि कुछ भी हो जाए मैं अनु को इस बीमारी के बारे में पता नहीं लगने दे सकती, मुझे अनु से सब छुपाना होगा और मुझे खुद को अब खुद मजबूत बनाना होगा। जो मर्जी हो जाए मैं कुछ भी करके स्ट्रॉन्ग रहूँगी और अनु को कुछ नहीं पता चलने दूंगी। और बाहर अनु जो होती है बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, रो रही होती है और ये कह रही होती है कि मेरी जान को क्या हो गया कान्हा जी, प्लीज़ मेरी जान को कोई सीरियस इलनेस ना हो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और मुझे कुछ भी करके पता करना ही होगा कि मेरी जान को हुआ है क्या है, वो मुझसे क्या छुपा रही है और वो क्यों इतना बीमार रहने लग गई है, पहले तो ऐसा कभी कुछ नहीं होता था। तो वो ऐसे सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि वो रिपोर्ट्स जो इसने आहना की मम्मा को दिया था, तो ये सोचते कि उसमें अनु की भी रिपोर्ट्स थी, सॉरी आहना की भी रिपोर्ट थी, और मुझे किसी भी तरह करके आहना के घर जाना होगा और वो रिपोर्ट्स देखनी होंगी। वो ये एक रिपोर्ट से एक जरिया जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरी जान को हुआ क्या है। तो अनु ऐसे सोचती है और फ़ौरन से अपना रोना बंद करती है और सोचती है कि मुझे किसी भी तरह आज जाना ही होगा। तो ऐसे सोच के वो वॉशरूम की तरफ जाती है कि फ़ौरन से आना गेट खोल के बाहर आ जाती है। तो अनु कहती है कि क्या हुआ, ठीक हो तुम? तो आना बोलती है हाँ जान मुझे क्या, मैं तो एकदम से ठीक हो, देर हो रही है ना, जल्दी से रेडी होते हैं, क्लास भी तो लेनी है। तो आना कहती है कि चलो तुम भी जल्दी से जाके फ्रेश हो जाओ। तो अनु कहती है जान सुनो। तो आना कहती है क्या हुआ? तो अनु कहती है जान वो बैठो मेरे पास, मुझे तुमसे बात करनी है। तो आना बहुत डर जाती है और दिल में कहती है प्लीज़ प्लीज़ कान्हा जी, ये मुझसे पूछना लेके मुझे क्या हुआ है, मुझे इसे झूठ बोलना बिल्कुल नहीं पसंद, जब भी मैं इसे झूठ बोलती हूँ मुझे बहुत हर्ट होता है, प्लीज़ इसे झूठ नहीं बोलना चाहती, प्लीज़ 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 ये मुझसे कुछ ना पूछे। तो वो ऐसे सोच रही होती है तो अनु फ़ौरन से आना का हाथ पकड़ती है और उसे बेड पर बिठा देती है और कहती है कि जान वो मैं सोच रही थी कि यार काफ़ी टाइम हो गया ना कि तुम मम्मा से नहीं मिली और मैं भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ यार तुम्हारी मम्मा के हाथ का खाना, मैं बोर हो गई हूँ यहाँ का खाना खा खा के, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आज मम्मा के पास चले। तो आना कहती है हाँ ठीक है, बट अचानक से मम्मा के घर क्यों? तो उन्होंने कहती क्या यार, वो सिर्फ तुम्हारी मम्मा है, मेरी कुछ नहीं लगती। तो आना बोलती अरे नहीं जान, ऑफ कोर्स वो तुम्हारी भी मम्मा है, मैं जस्ट वैसे ही पूछ रही थी कि अचानक से क्यों, सब ठीक है ना? अनु बोलती है हाँ यार ठीक है, बस मेरा पेट थोड़ा ख़राब है, मुझे यहाँ का खाना नहीं खाना यार, बाहर का भी नहीं खाना, पता है ना कल खाने गए थे क्या हुआ था, मुझे कुछ अच्छा सा खाना खाना है। अरे हाय तुम्हारी मम्मा के हाथ का खाना मज़े का यार, ज़बरदस्त होता है, मेरा दिल कर रहा है बस वही खाना खाऊँ, चलते हैं ना? तो आना बोलती जान सिर्फ वही खाना खाने, इतना दूर जाना, आर यू श्योर कि सिर्फ खाना खाने जाना है? तो अनु बोलती हाँ और क्या करने जाना है यार, तुम बिना मुझे बस खाना खाना है यार, मम्मा के हाथ का खाना बहुत मिस कर रही हूँ। तो आना बोलती अच्छा ठीक है चलेंगे, बट अभी तो चलो क्लास के लिए देर हो रही है। तो अनु बोलती है नहीं हम अभी मम्मा के घर जा रहे हैं, तुम रेडी हो जाओ, हम क्लास नहीं लेंगे आज। आना बोलती रुको 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 जान मेरी बात सुनो, हमारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, इस टाइम अगर हमने लेक्चर बंक किया ना पता है हमें एग्ज़ाम्स में नहीं बैठने देंगे, पहले हमारी अटेंडेंस कोई ख़ास नहीं है। तो उन्होंने कहती यार जो होगा ना बाद में देख लेंगे, कुछ नहीं होगा, सब मैनेज कर लूँगी मैं, तुम प्लीज़ अभी चलो रेडी हो जाओ, हमें मम्मा के घर जाना है अभी। तो आना कहती जान अच्छा ठीक है मम्मा को तो इन्फॉर्म करने दो कि हम आ रहे हैं, वैसे अच्छे यार हम थोड़ा लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी हमारे। आना कहती हाँ मम्मा को तो इन्फॉर्म करने दो। तो उन्होंने बोलती हाँ ठीक है इन्फॉर्म कर दो, मैं जल्दी से रेडी हो जाती बट हम अभी निकलेंगे ओके। तो आना कहती हाँ ठीक है ओके। तो आना ऐसे बोल के मम्मा को फिर कॉल करती है और बोलती है कि मम्मा आप घर हो? तो उसकी मम्मा कहती है हाँ बेटा तुम ठीक हो ना, तुम्हारी तबीयत फिर से तो नहीं बिगड़ी? आना बोलती नहीं नहीं मम्मा मैं ठीक हूँ। तो उसकी मम्मा कहती है अनु ठीक है? तो कहती जी मम्मा अनु ठीक है, वो अनु बहुत मिस कर रही थी आपके हाथ का खाना, तो बोल रही थी कि आपके पास आते हैं तो हम आ जाएं घर। तो मम्मा कहती बेटा ये भी पूछने की बात है, तुम्हारा ही घर है आ जाओ, और अनु ठीक है ना बेटा? तो ये बोलती है हाँ मम्मा अनु भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, सब ठीक है। तो उसकी मम्मा कहती है अच्छा लेक्चर लेके आओगे ना, अभी तो तुम्हारे क्लास का टाइम होगा। तो आना बोलती नहीं मम्मा एक्चुअली आज हमारा लेक्चर फ्री है, तो हम बोर हो रहे थे काफ़ी तो सोचा आपके पास आ जाए। तो मम्मा कहती अच्छा ठीक है बेटा आ जाओ, अनु से पूछो क्या खाएगी मैं वही बना दूँगी। तो
आना कहती मम्मा आपको तो पता ही है ना अनु की फेवरेट डिशेज, तो वो सब बना दो हम खा लेंगे ठीक है। तो आंटी कहती हैं ओके बेटा कब तक आओगे, तो आना कहती मम्मा बस हम जस्ट अभी निकल रहे हैं यहाँ से तो रात तक पहुँच जाएंगे। तो मम्मा कहती अच्छा ठीक है आ जाना जल्दी से और ख्याल से आना ओके, अपनी मेडिसिन ले रही हो ना तुम। तो आना बोलती हाँ हाँ मम्मा मेडिसिन ले रही हूँ। तो अनु जो होती है वो सुन लेती है, मतलब मान के आना बहुत धीमे बोल रही होती है बट अनु सुन लेती है। तो अनु कहती क्या मेडिसिंस, मेरे सामने तो कभी कोई मेडिसिन नहीं खाई, क्या 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 मतलब सच में कुछ है जो मुझसे छुपा रही है। ठीक है जान तुम मुझसे जो भी छुपा रही हो ना छुपाती रहो, लिए मैं भी पता करके रहूँगी। तो अनु ऐसे बोलती है। तो इसके बाद आहना जो होती है कॉल कट कर देती है और कहती है कि अच्छा ठीक है मैं फिर कोई और कपड़े पहन लेती हूँ। तो आहना कहती है बताओ कौन से पहनो, उन्होंने कहती यार कोई भी पहन लो सभी अच्छे लगते हैं तुम पे। आना कहती है एक सेकेंड मुझे क्यों लग रहा है तुम्हारा ट्रस्ट मुझ में कम हो रहा है, जान से मार दूंगी तुम्हें। आना कहती क्या यार तुम भी ऐसा कुछ नहीं है जान, तुम भी तो हर कलर अच्छा लगता है ना कुछ भी पहन लो। आना की बोलती क्या कुछ भी नहीं पहनना मुझे, तुम सिलेक्ट करके दो कोई भी अच्छा सा ड्रेस जो तुम बोलोगे मैं वही पहन लूँगी। अनु कहती क्या यार अच्छा ठीक है बैठो मैं अभी लेके आती हूँ। तो अनु तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है तो इसीलिए वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही होती किसी चीज़ में भी। खैर वो फिर जाती है कबर्ड में से एक अच्छा सा ड्रेस निकालते हैं, बोलते हैं कि जान ये देखो ये अच्छा है ना ये पहनो तुम। तो आना बोलती है हाँ ओके अब मैं शावर ले लूँ फिर। तो अनु बोलती है हाँ ठीक है तुम ले लो। तो आना बोलती है इससे क्या हो गया आज इसने जितनी की मेरे साथ शावर लेने की। तो आना मतलब समझ आती है कि अनु के दिमाग में कुछ चल रहा है। तो आना फिर जाती है शावर लेने के लिए और जब शावर ले रही होती है तो तभी उसकी आंखों में ऐसे ही ब्लैक ब्लैक सा अंधेरा अंधेरा से दिखाई देने लग जाता है। उसे ऐसे लग रहा होता है कि जैसे वो अभी गिर जाए, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे होते हैं उसे। और वो ऐसे ही टैप को पकड़ लेती है, बोलती है नहीं 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 प्लीज़ 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 करना चाहिए मुझे चक्कर नहीं आने चाहिए, मैं अगर मैं गिर गई तो नहीं अनु को पता चल जाएगा फिर तो भी ठीक नहीं है। नहीं 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 प्लीज़ प्लीज़ आना तुम बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की हो ना तुम नहीं गिरोगे कुछ नहीं हुआ तुम्हें तुम बिल्कुल ठीक हो यू आर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। तो ऐसे ही खुद को संभाल रही होती हैं और फिर ऐसे सर पकड़ के बाहर निकलने की कोशिश करती हैं और जैसे दरवाज़ा वो खोलती है तो वहीं पर नीचे गिर जाती है। तो अनु उधर ही खड़ी होती है वो देख लेती है तो भाग के आती है आना कैसे उठाती है गोदी में और बेड पे लेके जाती है और बोलती है आना क्या हुआ तुम्हें, आना आंखें खोलो चांद बच्चा देखो तुम ठीक हो ना क्या हो गया तुम्हें खाना जिसको क्या हो जाता है बार बार। तो उसे बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है तो फिर उसके हाथ पाँव ऐसे ऐसे मसलने लग जाती है और बोलती है जान प्लीज़ होश में आओ जान तुम ठीक हो ना आंखें खोलो क्या हो गया तुम्हें। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और आना तो एकदम से बेहोश और अनु की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और अनु का उस टाइम माइंड भी नहीं काम कर रहा होता है वो क्या करे किसको बुलाए हेल्प के लिए बिकॉज आना ने तो कपड़े भी नहीं पहने होते। तो अनु फ़ौरन से उसके ऊपर ऐसे ब्लैंकेट डाल देती है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, डॉक्टर को कॉल करती है और एड्रेस बताती है कि आप प्लीज़ जल्दी से यहाँ पर आ जाएँ और फिर अंदर से लॉक करके जल्दी जल्दी आना को ड्रेस चेंज करवा देती है। तो जब डॉक्टर आता है तो अनु तभी तक मतलब आधा घंटे से ऊपर हो जाता है डॉक्टर को आते आते और अनु बहुत ज़्यादा परेशान होती है और आना तभी तक भी होश होती है। तो जब डॉक्टर आते हैं तो उसकी नब्ज चेक करता है तो कहते हैं कि क्या हुआ इसे। तो डॉक्टर ऐसे जब पूछते ना तो उन्होंने कहते किस किस्म के डॉक्टर हो क्या हुआ इसे मैं बताऊँ डॉक्टर आप हो मैं मुझे क्या पता जल्दी से देखो इसको देखो क्या हो गया बेहोश हो गया ये अचानक से। तो डॉक्टर मतलब समझ आता है कि इसको क्या हुआ है तो वो कहता है कि आपको नहीं पता इसे क्या है। तो कहते मुझे कैसे बताओगे यार डॉक्टर आप हो या मैं हूँ प्लीज़ आप कुछ भी करो इसको जल्दी से होश मिले क्या कब से भी होश है ये। तो डॉक्टर कहता है अच्छा ठीक है आप एक काम करें आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएँ। तो कहते क्या क्या बकवास है मैं क्यों बाहर जाऊँ। तो डॉक्टर कहता है आप चाहती है ना मैं खुद देखूँ तो आपको बाहर जाना होगा। तो अनु ज़िद कर लेती है कि मैं नहीं जा रही बाहर मैं यहीं पर रुकूँगी आना के साथ। तो डॉक्टर कहते हैं ठीक है मैंने इसे चेक नहीं करना फिर। तो अनु कहती है अच्छा ठीक है प्लीज़ आप इसे चेक करें मैं बाहर जा रही हूँ। तो अनु जो होती है वैसे बाहर चल जाती है और डॉक्टर जो होता है वो आना को अंदर चेक कर रहा होता है। तो तकरीबन आधे घंटे के बाद अनु जो होती है वो ज़बरदस्ती अंदर घुसाती है, देखती है कि आना होश में होती है और डॉक्टर से बातें कर रही होती है। तो जैसे ही आना देखती है अनु को अंदर आते हुए वो एकदम से चुप हो जाती है। तो अनु भाग के आते हैं आना को हक कर लेते कहती जहाँ तुम ठीक हो ना हाँ कहीं दर्द तो नहीं हो रहा बताओ तुम्हें क्या होता है यार तुम बार बार क्यों चक्कर आ जाते हैं तुम क्यों बेहोश हो जाती हो हाँ बताओ मुझे क्या हुआ है। तो आना ऐसे डॉक्टर की तरफ देखती है और उसे इशारा करती है कि प्लीज़ चुप हो जाए। तो डॉक्टर अनु को कहता है कि कुछ नहीं हुआ इसे जस्ट थोड़ी वीकनेस है। अनु कहती क्या क्या बकवास है कैसी वीकनेस हाँ
टाइम से खाना खा रही है, सब कुछ टाइम से हो रहा है, किस चीज़ की वीकनेस, कहाँ से आ गई है वीकनेस, और इतनी वीकनेस के हर टाइम उसको चक्कर आ जाते हैं, कैसे डॉक्टर हो आप, हाँ कुछ समझ नहीं आ रहा तो वीकनेस का नाम दे दिया। तो डॉक्टर वैसे बहुत ज़्यादा भड़क रही होती है, तो डॉक्टर भी गुस्सा कर रहा होता है, कहता ठीक है तो खुद ही इसका इलाज कर लो, जा रहा हूँ मैं। तो उन्होंने कहती है आई एम सॉरी प्लीज़ मुझे बताएं, सच बताएं इसको क्या हुआ है, ये मुझे कुछ नहीं बताती, बार बार इसको चक्कर आ जाते हैं, प्लीज़ मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, आप मुझे बताएं ना ऐसा क्यों होता है इसके साथ। तो डॉक्टर कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे जो समझ आया मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे बोल के डॉक्टर जाने लगते हैं, तो उन्होंने कहते रुके अपनी फीस तो लेके जाएं, तो डॉक्टर कहते ऑलरेडी दे दिया मुझे आना ने, तो ऐसे बोल के डॉक्टर चले जाते हैं। तो उन्होंने ऐसे आना की तरफ गुस्से से देखते कहते तुमने फीस क्यों दी, तो आना कहती क्या जान तुम भी छोड़ो ना, और क्या डॉक्टर से ही तो बोल रहे थे हाँ थोड़ी सी वीकनेस ही तो हुई है मुझे, तुम भी ना छोटी छोटी बात पे इतना भड़क जाती हो। तो उन्होंने कहती क्या मेरे दिमाग पे यहाँ पे माथे पे लिखा हुआ है कि मैं बहुत बड़ी गधी हूँ दुनिया की, जो कुछ नज़र नहीं आता तुम्हारे साथ क्या चल रहा है यहाँ पे, और ये क्या था, मुझे बाहर भेज के ही तुम्हारा इलाज क्यों किया गया, बताओगे मुझे। तो आना कहती मुझे क्या बता, डॉक्टर से पूछो। तो उन्होंने बहुत गुस्सा करती है, कहती मेरा दिमाग इतना गर्म हो रहा है ना, मेरा दिल कर रहा है मैं वो जो सामने वाली दीवार है ना, दिल कर रहा है उसमें जाके अपने सर ऐसे जोर जोर से पटकूँ, फिर तुम्हें समझ आएगा किसने मेरे दिमाग में, मेरा दिमाग फट जाएगा, मेरी नब्ज़ फट जाएगी, तुम मुझे पागल कर दोगे किसी दिन। तो आहना उठती है, कहती क्या जान तुम भी कुछ भी जान, सब ठीक है, ओके रिलैक्स बच्चा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं ले रही, सब ठीक है यार। तो उन्होंने कहती क्या तुम मुझे सच क्यों नहीं बताते तुम्हें क्या हुआ है, हाँ प्लीज़ मुझे बताओ जान, प्लीज़ समझो बात को, मुझे जानना है कि तुम्हें क्या हुआ है। आना बोलती क्या हुआ मुझे जान, पागल हो, मैं एकदम ठीक ठाक हूँ, क्या अब क्या चाहते हो, बीमार हो जो बेड पे पड़ी रहूँ क्या यार, तुम भी अच्छी खासी अल्लाह ने मुझे सेहत दी है, ठीक हूँ यार मैं। तो अनु बोलती अच्छा ठीक हो तुम, चलो फिर घर चलते हैं। आना बोलती क्यों घर क्यों, अनु बोलती भूल गई तुम, हम तुम्हारी मम्मा के घर जा रहे थे। अनु बोलती अरे नहीं नहीं मैं कहाँ भूलूँ, पता है मम्मा के घर जा रहे थे खाना खाने, हाँ तो जाओ तुम रेडी हो जाओ, मैं तो रेडी हूँ ना। तो अनु बोलती अच्छा ठीक है मैं, मुझे शावर लेने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा तो मैं जस्ट फेस वॉश कर लेती हूँ और अभी चलते हैं। अनु बोलती क्या यार शावर तो ले लो, इतनी भी क्या जल्दी है। अनु बोलती है बहुत जल्दी है मुझे, बहुत भूख लगी है मुझे, वहीं जाके खाना खाना है, चलो अब तुम, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। तो अनु ऐसे बोल के जल्दी जल्दी शावर लेती है, उसमें माइंड में यही होता है कि मुझे यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना, जितनी जल्दी घर जाऊँगी उतनी जल्दी मुझे पता हो चल जाएगा कि आना को हुआ क्या है। तो वो ऐसे सोच के वो जल्दी जल्दी शावर ले लेती है और उसके बाद जी जल्दी से चेंज वगैरह कर लेती है, बैग वगैरह उठा लेती है, कहती हाँ चलो। तो आना कहती इतनी जल्दी रेडी होगी यार, थोड़ी देर बाद चलते हैं ना, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है, और इस टाइम तो अभी कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी। तो कहती हाँ तो मिल जाएगी, चलो तुम यहाँ से मैंने अरेंज कर लिया है सब चलो अब तुम जल्दी से। तो वो ऐसे बोलते हैं, जैसे ही हॉस्टल के बाहर पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक गाड़ी पहले से ही खड़ी होती है। तो आना बोलती है ये गाड़ी किसकी है, पहले तो कभी नहीं देखी यहाँ पे। अनु कहती है गाड़ी मैंने मंगवाई है हमारे जाने के लिए चलो। तो आना बोलती है एक सेकेंड, तुम तो अपने फैमिली वालों से कुछ नहीं लेती, तो ये कैसे, वो कहती है फैमिली से नहीं फ्रेंड से लिया चलो अब तुम। तो आना बोलती है एक सेकेंड ये कौन सा फ्रेंड है जिसे मैं नहीं जानती। अनु बोलती है जान मैं बिल्कुल तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहती, ओके चुपचाप अंदर बैठ जाओ इससे पहले मेरा दिमाग ख़राब हो जाए और मैं खुद पे कंट्रोल खो दूँ, समझी। तो आना बोलती है अच्छा ठीक है ओके जान रिलैक्स सॉरी चलो। तो ऐसे बोलती है दोनों गाड़ी में बैठते हैं, तो अनु ड्राइव करी होती है, तो आना कहती है और तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हें ड्राइविंग आती है। अनु बोलती है और भी मुझे बहुत कुछ आता है। आना बोलती है हाँ पता है, वैसे क्या क्या आता है बताओ। अनु बोलती है यार प्लीज़ थोड़ी देर शांत रह जाओ, मुझे थोड़ा सुकून चाहिए प्लीज़। आना बोलती है अच्छा ओके अब नहीं बोलूँगी मैं। तो आना ऐसे बोल के चुप हो जाती है और फिर म्यूज़िक प्ले कर देती है, और जब म्यूज़िक चल रहा होता है तो अनु को उस म्यूज़िक पे भी इतना गुस्सा आ रहा होता है, बिकॉज उसमें कुछ इस तरह का सॉन्ग होता है कि वादा है तुमसे कभी ना कुछ छुपाएंगे, मतलब इस तरह का होता है। तो इसको इतना गुस्सा आ जाता है बिकॉज इसको अब कंफर्म होता है कि आना कुछ इससे छुपा रही है, और वो भी कुछ बहुत सीरियस वाली बात। तो गुस्से से सॉन्ग को बंद कर देती है, कहती है सिर्फ गाने में ही होता है कि तुमसे कभी कुछ ना छुपाएंगे, छुपाते हैं लोग बहुत कुछ छुपाते हैं है ना जान। आना बोलते क्या हाँ छुपाते होंगे हमें क्या, आना बोलती हाँ हमें क्या छुपाए
हमें क्या फ़र्क पड़ता है, घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता ना हमें। तो आना एकदम चुप हो जाती है, उसे समझ आ चुका होता है कि ये बातें अनु इनडायरेक्टली उसे ही बोल रही है। तो खैर ये दोनों मतलब ड्राइव काफ़ी देर करते रहते रहते रहते, तो आना बहुत थक जाती है बिकॉज उसकी तबीयत ख़राब होती है, तो ड्राइव से उसकी और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, उसे ऐसे वॉमिटिंग सा फील होने लग जाता है। तो वो अनु को कहती है कि जान एक मिनट गाड़ी रोको, तो ऐसे बोल के सर पकड़ लेती है। तो अनु को तो ये होता है कि जल्दी से घर जाना है, सब कुछ जाना है, तो इसलिए वो गाड़ी नहीं रोक रही होती। कहती क्यों क्या हुआ, तो अनु बोलती प्लीज़ गाड़ी रोको। तो अनु जब ऐसे सुनती है तो फ़ौरन से गाड़ी रोकती है, कहती जान क्या हुआ तुम ठीक हो ना। तो आना ऐसे सर पकड़ के बैठी होती है, कहती नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल, मुझे कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा डर जाती है, फ़ौरन से गाड़ी से नीचे उतरती है, गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है, तो अनु ऐसे बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। आना को गाड़ी से नीचे उतारती है और पानी देती है, कहती ये लो पानी पियो ठीक हो तुम। हाँ जान बताओ मुझे क्या हुआ, क्या हो रहा है तुम्हें, तुम ठीक हो ना, कैसा फील हो रहा है तुम्हें। आना बोलती मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है अभी तो ऐसी कर रही होती है और फिर उसे उल्टियाँ हो जाती हैं। तो ये देख के तो अनु और ज़्यादा डर जाती है, बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। और आना जब वॉमिटिंग कर लेती है तो अनु उसको पानी पिलाती है, उसके से हाथ वगैरह सब वॉच करती है सही से, और बोलती है अब ठीक हो तुम जान, हाँ कुछ बेहतर फील हुआ। आना बोलती है हाँ अब ठीक हो, बस थोड़ा सा सर ऐसे घूम रहा है। तो अनु बहुत डर जाती है, उसे फ़ौरन से गाड़ी में बिठाती है और गाड़ी चला देती है। आना बोलती मम यहाँ क्यों जा रही हो, वहाँ जाना था ना रास्ता वहाँ था। तो अनु बोलती है हाँ बट हम पहले हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो अनु बोलती है हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, टिक के बैठो ठीक है। आना बोलती क्या आपके अब क्यों हॉस्पिटल क्यों। तो अनु बोलती है तुम्हारी तबीयत ख़राब हो रही है ना इसलिए हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। आना बोलती नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, वो बगैर कुछ खाए पिए लॉन्ग ड्राइव हो गई ना, तो इसलिए वॉमिटिंग सा हो रही थी और कुछ नहीं है, सच में बहुत भूख लगी है यार, बस कुछ खाना खिला दो। तो आना बोलती है प्लीज़ यार कुछ खाना खिला दो, सच में भूख की वजह से हुआ, खाली पेट था ना इसलिए। फिर हम काफ़ी टाइम से ड्राइव कर रहे हैं यार, थक गई हूँ गाड़ी में बैठ बैठ के। तो उन्हें बोलती आ रही हूँ श्योर। आना बोलती है हाँ जान पक्का ठीक हूँ मैं, जस्ट भूख लगी है यार। तो उन्होंने बोलती है ओके। तो उन्होंने ऐसे बोल के फिर पास में एक रेस्टोरेंट होता है वहाँ पे गाड़ी रोकती है और उसको हाथ पकड़ के उसको ऐसे रेस्टोरेंट में लेके जाती है और मतलब उसको आराम से चेयर पीछे करके चेयर पे बिठाती है और बोलती है कि तुम ठीक हो ना जान। बोलती है हाँ ना जान आई एम परफेक्टली फाइन यार, तुम भी ना छोटी छोटी बात पर मत डरा करो। तो अनु बोलती है अभी भी उल्टी सा फील हो रहा है, हाँ मन कर रहा है उल्टी का। बोलती क्या है यार प्रेगनेंट थोड़ी हूँ मैं, हर टाइम उल्टियाँ करती रहूँ हत्या है। तो उन्होंने बोलती है तो फिर क्यों हो रही थी ना तुम्हें उल्टी। तो उन्होंने बोलती क्या जान तुम भी एवरी टाइम जस्ट जान हो जाता है ना कभी कभी। उन्होंने बोलती हाँ कभी कभी बट तुम्हारा आजकल रोज़ हो रहा है जान, मेरे साथ ऐसा होता तुम डरती ना, मुझे भी डर लग रहा है यार तुम ठीक हो ना। आना बोलती हाँ जान मैं ठीक हूँ और जब तक तुम मेरे पास हो मुझे कुछ हो भी नहीं सकता, हाँ तुम बस मेरे पास रहो ओके, और अपने गुस्से भी कंट्रोल करो, मेरी तबीयत इसलिए बिगड़ी है ठीक है ना, तुम गुस्सा कर रही हो मुझ पर और कोई वजह नहीं है। अनु बोलते क्या कुछ भी, अनु बोलते क्या कुछ भी सही बोल रही हूँ, प्यार से रहो ना मेरे साथ तुम्हें तबीयत नहीं बिगड़ेगी। अनु बोलते पक्का। अनु बोलती हाँ ना मुझे जस्ट तुम्हारा प्यार तुम्हारी केयर चाहिए। तो अनु ऐसे आना का हाथ पकड़े उस पर किस करते कहती हाँ ना जान मेरा प्यार मेरी केयर सब तुम्हारे लिए ही है ना जान, तुम्हें इसमें मेरा गुस्सा दिख रहा है, मेरा प्यार नहीं दिख रहा, मेरी केयर नहीं दिखी जान, मुझे तुम्हारी केयर है ना प्यार है तुमसे इसलिए मैं इतना परेशान हो जाती हूँ। तो अनु बोलती जान परेशान मत हुआ करो, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, हाँ बस मुझसे प्यार से रहो ओके, गुस्सा मत क्या करो। मैं बोलती हूँ ओके जान आई एम सॉरी, कभी गुस्सा नहीं करूँगी हाँ। तो ऐसे बोल के उसके फोरहेड पे करके किसी करती है और उसको हक कर लेती है। तो दोनों ऐसे रेस्टोरेंट में एक दूसरे को हक करके बैठे होते हैं, तभी वहाँ पे वेटर आता है और बोलता है कि तो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। तो आना बोलती है जी, तो कहते मैम ऑर्डर। तो उन्होंने बोलती है हाँ जान बताओ क्या खाना है, बहुत भूख लगी थी ना तुम्हें। तो उन्होंने बोलती है जान कुछ भी मंगवा दो तुम। तो उन्होंने बोलती क्या यार इतनी भूख लग रही थी और अब कुछ भी। तो उन्होंने बोलती बताओ ना। अनु बोलती जान तुम्हें पता है ना मुझे क्या पसंद है, तो बस मंगवा दो ना मुझे फ्रेश होना है ओके, मैं वॉशरूम से क्या आती हूँ। तो आना ऐसे बोल के वॉशरूम चल जाती है और अनु जो होती है फिर उसके लिए कुछ ऑर्डर कर दिया।
तो आना वॉशरूम में जाके ऐसे फेस वॉश करती है और मेडिसिन लेके फ़ौरन से उसको निकाल के खा लेती है और बोलती है कि मैं मेडिसिन खाना भूल गई थी इसलिए ये सब हो रहा था। कितने यार मुझे हर टाइम मेडिसिन खाते रहना होगा, मुझे अब ये लापरवाही नहीं करनी होगी वरना अनु को शक हो जाएगा मुझ पर, नहीं मुझे बीमार नहीं रहना, होश में आओ तुम, कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल ठीक होगे, तुम शेरनी होगे, शेरनी हो ना तुम, अपनी अनु की शेरनी बन के रहो, भीगी बिजली बनने की जरूरत नहीं है समझे तुम। तो ऐसे मतलब खुद वो बातें सुना रही होती है शीशे में देख के। और उसके बाद आना देखती है कि काफ़ी टाइम हो गया मुझे बाहर जाना हो वरना अनु मुझे ढूंढते हुए आ जाएगी। तो ऐसे सोच के बाहर जा रही होती है कि अनु आ जाती है, तो दोनों टकरा जाते हैं। तो अनु ऐसे आना को पकड़ती है उसकी कमर से अपनी तरफ खींच के, कहती क्या ठुकी भी तो मुझ में ही। तो अनु बोलती है हाय कितने क्यूट लग रही हो तुम, फेस वॉश किया है तुमने। तो आना बोलती है हाँ, तो अनु बोलती है क्या, तो तुम ना फेस वॉश करने से ना और ज़्यादा फ्रेश हो जाती हो, तो और ज़्यादा क्यूट लगती हो। हाय अनु बोलती क्या यार फेस वॉश पे मत करूँ मैं। अनु बोलती नहीं नहीं करो ना, अच्छा लगता है तुमने ये सिंपल ब्यूटी ज़्यादा अच्छी लगती हो, पता है नेचुरल ब्यूटी तुम्हारी ज़्यादा अच्छी है। आना बोलती हूँ हेलो, पहले भी मैंने कोई मेकअप नहीं किया था, जस्ट बीबी तो लगाई थी मैंने। तो आना बोलती हाँ ना, तुम्हें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है ना, अपने चीक्स को कितने सॉफ्ट है यार, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो ऐसे बोल के उसका किस कर लेते हैं। तो आना बोलती क्या यार जाना, हम वॉशरूम में खड़े हैं, छोड़ो मुझे, चलो बाहर। आना बोलती नहीं छोड़ने का मन नहीं कर रहा, ऐसे ही रहो ना थोड़ी देर मेरी बाहों में, ऐसे भी आजकल कुछ ज़्यादा ही हम दोनों में दूरी आ गई है। अनु बोलती जान ऐसा कुछ नहीं है। अनु बोलती है हाँ आई नो, बट मुझे ऐसे थोड़ी देर मेरे पास रहो मेरी बाहों में। हाँ तो ऐसे बोलती तो आना ऐसे अनु को टाइटली वाला हक कर लेते हैं, कहती हाँ ना जान मुझे तो अपनी सारी जिंदगी तुम्हारी बाहों में गुजारनी है, ऐसे ही बस मुझे टाइटली पकड़े रखो ना। तो वो ऐसे ही हक करके उसके शोल्डर पर सो जाती हैं। तो आना बोलती है हाँ जान बहुत अच्छा लग रहा है, पता है तुम ना मेरी बेस्ट मेडिसन हो, मुझे कुछ भी हो जाए बस तुम मुझसे हंस के बात कर लिया करो, मुझे हक कर लिया करो, मुझे किस कर लिया करो, मुझे ऐसे फील होता है कि मुझे कभी कुछ था ही नहीं। तो आना जब ऐसे ही बोलती है तो उन अचानक से आँखें खोलती है, इसका मतलब सच में आना बीमार है। तो आना ऐसे बोलने की बात कहती है कि जान भूख लगी है, चलें अब कुछ खाने। तो उन्होंने बोलती है आना जान चलो चलते हैं। तो उन्हें बहुत ज़्यादा डर जाती है, ऐसे आना का टाइटली हाथ पकड़ के चल रही होती है। तो वो आना को फील हो जाता है कोई बहुत टाइटली हाथ पकड़ा हुआ होता है, तो वो समझ जाती है कि अनु बहुत परेशान है। तो खैर ऐसे कुछ नहीं बोलती और चुपचाप दोनों टेबल पे जाके बैठ जाते हैं। तो आना बोलती क्या यार अभी तक तो खाना नहीं आया, ऑर्डर कर दिया था ना तुमने। अनु बोलती है हाँ जान कर दिया था, अभी आ जाएगा। तो अभी भी अनु ने ऐसे आना का टाइटली हाथ पकड़ा होता है। तो आना ऐसे अनु के शोल्डर पे सर रखती है और बोलती है कि जान तुम जब जब मेरा हाथ पकड़ती हो ना तुम बताओ मुझे ऐसा फील होता है कि मैं दुनिया की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कर लूँ, हमेशा ऐसे मेरे साथ रहो ना, मेरा ख्याल रखो, मुझसे इसी तरह प्यार करती रहो, करोगी ना मुझे प्यार। तो उन्हें बोलती है हाँ ना जान मेरा प्यार सब तुम्हारे लिए तो है, तुम इकलौती जान हो मेरी। हाय आना बोलती अच्छा जी इकलौती जान हो, क्या तुमको दो चार बनानी थी। अनु बोलती हाँ ऐसे मौका मिलता तो मैं बना भी लेती। आना बोलती क्या 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 बोल रही हो। अनु बोलती अरे जान मजाक था, अब तुम सर के ऊपर के लिए रखो ना मेरे शोल्डर पे सर, में बहुत अच्छा लगता है जब तुम ऐसे मेरे शोल्डर पे सर रख के सोती हो। तो आना बोलती हाँ ना जान मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे बस हमेशा तुम्हारे साथ रहना है, कभी तुमसे दूर नहीं होना। तो अनु बोलती हाँ ना जान तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, मैं तुम्हें कभी दूर होने ही नहीं दूंगी। तो भी आना ऐसे आंखें बंद करती है और कहती है कि अगर मुझे भगवान ने अपने पास बुला लिया तो तब तो मुझे तुमसे दूर होना ही पड़ेगा ना, ना चाहते हुए कैसे जियोगी तुम मेरे बगैर, मुझे अपना तुमसे दूर होना होगा अभी से ताकि तुम मेरे बगैर जीना सीख पाओ, तुम्हारी तो पूरी ज़िंदगी मेरे इर्द गिर्द घूमती है, अगर मैं मर गई तो तुम कैसे जियोगे, नहीं मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती, मुझे अब तुम्हें मेरे बगैर जीना सिखाना होगा। और वहाँ पे अनु कहते हैं कि बहुत बुरी हूँ मैं, मुझे पता है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी भी मैं इस पर गुस्सा कर रही हूँ, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अपनी जान के साथ रहूँगी, पहले की तरह बहुत खुश रहेंगे और मैं कभी इसे कोई तकलीफ नहीं दूँगी। और जल्दी से मुझे पता करना होगा कि मेरी जान को हुआ क्या है, मुझसे क्या छुपा रही है। तो ऐसे ही ये दोनों सोच रहे होते हैं तभी वहाँ पे वेटर आता है खाना रखता है।
तो अनु बोलती है जान मैं भूख लगी थी ना, चलो खाते हैं। तो ऐसे बोल के अनु खाने लग जाती है, बट आना नहीं खा रही होती। तो अनु बोलती क्या जान तुम्हें इतनी भूख लग रही थी तो तुम खा क्यों नहीं रही। तो अनु बोलती क्या यार जान, कैसे खाऊँ, मेरा हाथ तो तुमने पकड़ रखा है ना। तो अनु देखती है नीचे से हाथ पकड़ रखी थी, ओ सॉरी मैं भूल गई थी, हाँ लो छोड़ देती हूँ मैं। तो आना बोलती है नहीं मत छोड़ो, ऐसे पकड़े रखो। तो अनु बोलती है अच्छा तो तुम खाओगी कैसे। आना बोलती है वो अपने हाथ से खिला दो ना। अनु बोलती है अच्छा जी मेरे हाथ से खाना है, ठीक है मैं अपने हाथ से खिला देती हूँ। तो ऐसे बोल के आना अपने हाथ से नहीं खाती और अनु के हाथ से खाना खा रही होती है। तो आना मतलब बहुत ज़्यादा खा रहती है, बिकॉज अनु उसको खिला रही होती है। तो वो देखती नहीं कितना खा रही है, जिस खाती रहती है, जब बहुत ज़्यादा खा लेती है कहती बस मेरा पेट क्या। अनु बोलती क्यों क्या हुआ, कहती जान तो मैंने तो तुम्हें मना नहीं किया, मुझे अच्छा लग रहा था ना तुम्हारा हाथ से खाना, तो तुम तो बस कर देती कि कितना खिला दिया, मेरा पेट दुख रहा है। अनु बोलती क्या क्या सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा ठीक है और मत खाओ, ठीक है बस करो। अनु बोलती है ऐसे। तो आना बोलती क्या क्या और मत खाओ, और मैं खा भी नहीं सकती, पेट फट जाएगा मेरा तो ऐसे बोल के पेट पकड़ के बैठ जाते हैं। अनु बोलते हैं आई एम सॉरी। तो आना बोलते हैं अच्छा ठीक है मुझे तो इतना खिला दिया, अब खुद भी खा लो। अनु बोलती है नहीं भूख नहीं है छोड़ो, तुम ठीक हो ना, थोड़ा सा वॉक कर लो ना जान, सब ठीक हो जाएगा। तो आना बोलती क्या छोड़ो, तुम पहले खाओ फिर इकट्ठे वॉक करेंगे। तो उन्होंने कहती मुझे नहीं खाना। आना बोलती जब तक नहीं खाओगी मैं यहीं बैठ रहूँगी। अनु बोलती अच्छा ठीक है धमकी मत तो खाती हूँ मैं। तो अनु ऐसे बोल के जल्दी जल्दी खा लेते हैं, कहती हाँ हो गया मेरा अब चलो उठो। तो अनु बोलती है उठो। आना बोलती अच्छा अच्छा ओके। तो अनु ऐसे बोल के वहाँ पे पैसे रख देती है, आना का हाथ पकड़ के उसको बाहर लेके जाती है रेस्टोरेंट के। तो वहाँ बाहर जाने के बाद ये लोग रोड पैसे एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के थोड़ी देर ऐसे चलते रहते हैं। तो ऐसे ही चलते चलते आना अनु के पास पकड़ के ऐसे उसके शोल्डर पे सर रख के आँखें बंद करके चल रही होती है। तो अनु बोलते हैं रोड पे हो जाना आँखें तो खोलो। आना बोलती तुम हो ना मेरी आँखें, मुझसे ज़्यादा अच्छे से तुम मेरा ख्याल रख सकती हो, तुम पे भरोसा है इसलिए मैंने आँखें बंद कर ली। तो अनु हंसती है कहती है हाँ जान मैं हमेशा तुम्हारी आँखें बन के रहूँगी ना तुम्हारे साथ। तो आना फौरन से आँखें खोल लेती है और कहती है कि हमेशा थोड़ी तुम मेरे साथ रह सकती हो, कभी तो दूर रहोगी ना। अनु बोलती नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। तो आना वहीं पर सेंटी हो जाती है, रोने लग जाती है और आना अनु को हक करके बहुत ज़्यादा रोती है। तो अनु बोलती है क्या हुआ, तो आना कहती है कि मुझे तो तुमसे दूर होना ही होगा ना, तुम्हें बहुत बहुत प्यार करती हूँ, मुझे तुमसे दूर नहीं जाना। अनु बोलती है तुम पागल हो मुझसे दूर क्यों जाओगी, मैं जाने नहीं दूंगी तुम्हें। आना बोलती है सब तुम थोड़ी कर सकती हो मेरे लिए। अनु बोलती है मैं सब कर सकती हूँ, बोलो क्या करना है। आना बोलती है बस मेरे नहीं कुछ नहीं करना तुम्हें, चलो चलते हैं। तो अनु आना का हाथ पकड़ती हो कहती नहीं बोलो क्या हुआ, कुछ बोल रही थी ना। आना बोलती नहीं नहीं बस नहीं कुछ नहीं बोल रही थी, जस्ट ऐसे ही वो थोड़ा सा एंटी, पता है ना इमोशनल फूल हूँ मैं तो इसलिए चलो। तो आना ऐसे बोल के गाड़ी में जाके बैठ जाती है। तो अनु ऐसे ही आना को देख रही होती है, बोलती है कि ये बार बार ऐसा क्यों बोलती है कि मुझे इससे दूर हो जाएगी, ऐसा क्या हुआ है, मुझे क्यों नहीं कुछ बताती, तो मैं जान के रहूँगी। तो ऐसे बोल के गाड़ी में आके बैठ जाती है और ड्राइव करती है। सो गाइस आना ने तो ठान रखा है कि अनु को अपने मुँह से कुछ नहीं बताएगी, और हमारी अनु तो खुद भी शेर नहीं है तो वो तो पता करके रहेगी। वेल बहुत जल्दी राज फाश होने वाला है कि आना अनु से क्या छुपा रही है। वेल आप लोग भी बहुत अच्छे हो, बहुत कुछ गैस कर रहे हो, मैं भी बहुत गैस कर रही हूँ कि यार हुआ क्या है। फिर जो भी होगा वो तो पता चलेगा आने वाली नेक्स्ट एपिसोड्स में, तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बुरी बात है यार, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ओके देन गाइस टाटा बाय बाय।